नमस्ते एवरीबडी. एफर्मेशन ऑफ द डे. आई एम फियरलेस. फॉरगेट द नेसेयर्स. दे ऑलवेज विल टेल यू दैट यू नो इट कैन नॉट बी डन, इट इज इम्पॉसिबल, बट डोंट पे हीड टू देम. फॉरगेट द पीपल हु ट्राई टू जस्ट कीप यू सेफ एंड ट्राई टू यू नो पुट यू डाउन because that is coming from their place of insecurities. Don't let anyone dull the shine of your dreams. When people say that something cannot be done or something is impossible, trust me, it's just coming from their fears. Now, fears are something that stop you from achieving what you want. Forget achieving, they stop you from even going forward in the direction of your goals. Hence, just be fearless, pay no heed to the naysayers. Remember, when you are in fear, you just get stuck up. Because it's just like a circle. You're just fearing and you will stop taking steps forward because that is going to hold you right there. It's going to hold you back. Hence, pay no heed to what people say, what the naysayers say. Remember that the greatest people in life who have achieved the biggest things which we read about now is because they have paid no heed when people said that, you know, certain thing can be done, certain cannot be done, and it's impossible to achieve what they are visualizing about. Just remember to be fearless, and the only way is forward, forward, forward. Fear can get people stuck. The best of the people have got stuck up in, you know, achieving a certain goal or a vision just because of fear. I want you to know that as long as you are taking tangible actions, step by step, I want you to be confident and be rest assured that you are on the right path, you are in the right direction. Hence, affirm this to yourself, not just today, but every day, every moment, that I am fearless. आपको निडर रहना है हर पल हर समय. आपको अपनी अभिलाषा, अपने गोल, अपने विजन के प्रति निडर रहना है. काफ़ी लोग होते हैं जो आपको कहेंगे कि ये नहीं हो सकता है या ये तो पॉसिबल ही नहीं है. आपको ये याद रखना है कि ये उनके दृष्टिकोण से पॉसिबल नहीं है, ये उनके दृष्टिकोण से अनअचीवेबल है, ये उनके दृष्टिकोण से अशक्य है. लेकिन आपको खुद के लिए उनके दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं है. आप अपना निडर दृष्टिकोण रखिए, निडर रवैया रखिए अपने प्रति. आपको ये याद रखना है कि जब लोग कहते हैं ना कि भाई ये पॉसिबल नहीं है या ये नहीं करना है, ये उनके अंदर का भय बोल रहा है, उनके अंदर का डर बोल रहा है. तो उनके भय या डर को आप स्वयं के ऊपर हावी ना होने दीजिए. आप देखेंगे ना तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, वो हमेशा खुद पर विश्वास करते थे. वो उन पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे आसपास के लोगों पर, जो कहते थे भाई ये नहीं हो पाएगा, ये मत कीजिए, ये अशक्य है. इसीलिए आपको अगर आपकी ज़िंदगी में एक अलग इतिहास रचना है, खूबसूरत ज़िंदगी का इतिहास रचना है, तो आपको लोग क्या कहेंगे, जो आपको मना कर दें ये मत करो, ये नहीं होगा, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है. याद रखिए कि जब तक आप शिद्दत से, पूरी मेहनत से आपको जो आपका जो अभिलाषा है, आपका जो गोल है, उसकी तरफ अग्रसर होते रहेंगे, तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी सिवाय आपके. याद रखिए कि जो डर है, जो भय है ना, उसने अच्छे अच्छे लोगों को बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन गोल्स अचीव करने से रोक रखा है. इसीलिए आप याद रखिएगा कि आप भय से, डर से एकदम मुक्त रहें. जो डर है ना, वो एक बेड़ियों की तरह होता है, वो आपको एक ही जगह जकड़ के रख देगा, वो आपको कुछ करने नहीं देगा जो सही है, जो आपके लिए सही है. इसीलिए आज से भय मुक्त रहिए. याद रखिए कि हमेशा सच्चा कार्य करें, अच्छा कार्य करें, ताकि आपको किसी भी चीज़ का डर न रहे. अगर आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है, तो आप उससे अपने आप से, उस अपने आप के ऊपर जो हावी हो रहे डर से, भय से, जीतिए उसे, कॉन्कर कीजिए. और याद रखिए कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है अगर आप डर की बेड़ियों में जकड़े ना रहे तो. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारे सारी सारी अभिलाषाएँ जो है, जायज़ अभिलाषाएँ, वो ईश्वर पूरी करे. थैंक यू.